हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जांगिड़ फैमिली। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए छोले का रेसिपी। पूरा रेस्टोरेंट वाला स्वाद, वही खुशबू एंड वही टेस्ट। तो आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट वाले छोले, जहाँ हम छोले भटूरे खाते हैं, जैसे छोले पूरी खाते हैं, छोले चावल भी खाते हैं, तो वही वाले छोले बनने वाले हैं, बिल्कुल टेस्टी एकदम से अच्छे वाले। तो चलिए आइए जुड़िए आप सभी भी मेरे रेसिपी वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए छोले मैंने भिगो लिए हैं, मैं सुबह के टाइम में बना रही हूँ, तो छोले मैंने रात में ही भिगो दिए थे। तो यहाँ पे छोले कुकर में डाल लेंगे एंड कुकर में डाल के छोले को 2 से 3 सीटी लगा लेंगे, फिर हमारा छोला अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने छोले डाल दिए हैं, यहाँ पे डालूंगी कुछ खड़े मसाले, एक तेज पत्ता है, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लिया है एंड 2 काली मिर्च है और 1 लौंग डाली है और 2 छोटी हरी इलायची है, तो छीलकर डाल देंगे इसमें। जब खड़े मसाले डालते हैं ना, जब कुकर ये उबालते हैं छोले, तो इनमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे छोटी इलायची भी मैंने छील के डाल दी है। अभी इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे ताकि हमारे छोले फीके नहीं रहेंगे फिर। तो 1 चम्मच नमक डाल दिया मैंने, अभी इसमें डाल देंगे पानी। पानी देखिए 2 अंगुली जितना ऊपर पानी आए, इतना पानी डाला है मैंने। और अभी कुकर को बंद करके सीटी लगाने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने छोले को 2 से 3 सीटी दिला ली थी और छोले हमारे अच्छे से पक गए थे। तो यहाँ पे ग्रेवी बनाने के लिए प्याज ले रही हूँ मैंने, 3 प्याज लिया है और बड़े बड़े पीसेस में ही कट कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड करने हैं हमको। तो यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लिया है मैंने, 4 से 5 हरी मिर्च ले ली है एंड 4 से 5 कली लहसुन की ले ली है। अभी ये सबको मिक्स के जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए पेस्ट बन के तैयार हो चुका है हमारा एंड अभी हम बनाएंगे ग्रेवी। तो यहाँ पे कढ़ाई ले ली है मैंने और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, तेल में सरसों का यूज कर रही हूँ यहाँ पे। तो तेल गर्म होने जाने पर इसमें जीरा डाल देंगे एंड यहाँ पे डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, दालचीनी है एंड 2 हरी इलायची है, 1 लौंग है, 2 काली मिर्च है और 1 तेज पत्ता डाला है एंड 2 से 3 सूखी लाल मिर्च डाली है। तो यहाँ पे डाल देंगे हम हमारी जो पेस्ट बनाया था हमने, वो डाल देंगे। तो ये डाल के धीमी आंच पर ग्रेवी को पकाएंगे ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से धीरे धीरे अच्छे से पके। तो अगर तेज आंच पर पकाएंगे तो नीचे से ग्रेवी चिपकने लगेगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा टाइम लगेगा, अगर धीमी आंच पर पकाएंगे तो फिर अच्छी भी बनेगी। तो यहाँ पे छोले में देखिए मैंने 3 सीटी लगाई है और हमारे छोले पक चुके हैं अच्छे से। ये देखिए कितने फूल गए हैं छोले एंड ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, देखिए एकदम से पूरे पक गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं एंड फूल के भी देखिए अच्छे हो गए हैं। तो कुकर को रख देंगे साइड में और हम हमारी ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे धीमी आंच पर। एंड ये देखिए अभी थोड़ी ओनियन वाली ग्रेवी थोड़ी पक गई है, तो फिर इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। 2 टमाटर की प्यूरी बनाई है मैंने। तो अभी टमाटर की प्यूरी डालने के बाद में भी थोड़ा पकाएंगे धीमी आंच पर और थोड़ा जब अच्छे से पक जाएगा फिर हम डालेंगे इसमें मसाले। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी देखिए एकदम से अभी कढ़ाई से उतरने लगी है, ऑयल भी छोड़ने लगी है। तो यहाँ पे हम अभी मसाले डाल देंगे, मसाले डालने के बाद में भी थोड़ा पकाना है हमको। तो यहाँ पे हल्दी डाल दी है मैंने, धनिया डाला है एंड लाल मिर्ची डाल देंगे और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स करके
फिर थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि हमारे मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे। और रेसिपी मेरी रेसिपी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी न्यू मेंबर जुड़े हैं। तो ग्रेवी हमारी देखिए पक चुकी है, तो अभी इसमें हम पानी डाल देंगे, थोड़ा पानी डाल के पहले ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बाकी का पानी बाद में डालेंगे। और पानी मैंने यहाँ गरम कर लिया था थोड़ा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगे, इसलिए आप नॉर्मल भी डाल सकते हो, ठंडा पानी भी डाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने गरम कर लिया था ऐसे ही कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से उबाल आ जाएगा ग्रेवी में। तो यहाँ पे ग्रेवी में थोड़ा उबाल आ जाए फिर हम डालेंगे छोला। तो ग्रेवी में है, उबाल आ गया है, अभी हम इसमें हमारे जो छोले हैं जो बॉईल करके रखे हैं हमने वो डाल देंगे। पूरे छोले हमने डाल दिए हैं, अभी हम ढक के इसको पका लेंगे सब्जी को। तो ढक के मैंने देखी थोड़ी देर पका लिया सब्जी को, एंड छोले भी हमारे सब्जी में डालने के बाद में भी देखिए और भी फूल गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। एंड यहाँ से मैं जो ये खड़े मसाले हैं थोड़े ये हटा दूंगी अब यहाँ से, क्योंकि इनका कस तो सब्जी में चला गया है, अभी ये सब हटा दूंगी, सब्जी देखने में भी थोड़ी अच्छी लगेगी बाद में। तो अभी ये सब मसाले, खड़े मसाले जो हैं ये निकाल दूंगी मैं। एंड छोले की सब्जी किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरा रेसिपी वीडियो कहाँ कहाँ से अटेंड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें एक चम्मच चीनी, छोटा चम्मच चीनी डाली है मैंने। तो यहाँ पे डाल देंगे गरम मसाला और सब्जी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और चीनी जो मैंने डाली है ना छोटा चम्मच, उससे मीठा नहीं होता है, सब्जी का टेस्ट बैलेंस हो जाता है और एक अच्छा वाला टेस्ट आता है सब्जी में। तो यहाँ पे देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है, कितने अच्छे छोले बनके तैयार हुए हैं देखिए। तो आज की मेरी रेसिपी वीडियो कैसी लगी आप सबको, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा रेसिपी वीडियो कैसा लगा आप सबको। और अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी वीडियो में, तब तक रेसिपी को ट्राई कीजिए एंड इन्जॉय कीजिए। तो छोले के साथ मैंने बनाए थे भटूरे, अगर भटूरे की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए मैंने भटूरे के साथ में थाली भी लगा दी है, तो भटूरे भी बहुत अच्छे बने थे फूले फूले, आप रेसिपी ज़रूर देखना मेरे चैनल पर जाकर। एंड रेसिपी वीडियोज अगर अच्छी लगी होती हो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक और नई रेसिपी वीडियो में।